नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला। अगर बात करें सेंसेक्स निफ्टी और यहाँ पर निफ्टी बैंक की, तो यहाँ पर हर जगह आपको करेक्शन देखने को मिला। अगर बात करें सेंसेक्स, जहाँ आज आपको 1306 पॉइंट की कमी के साथ, यहाँ पर 2.29% की जो नेगेटिव क्लोजिंग के साथ आपको मार्केट 55,669 रुपये पर ट्रेड जो है क्लोजिंग होता हुआ मिला है। क्योंकि पिछले कुछ समय से आपको इसमें जो कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है, अगर अपन बात करें पिछले एक महीने की, तो पिछले एक महीने में भी यहाँ पर 7.49% की आपको गिरावट देखने को मिली है। अगर अपन बात करें निफ्टी फिफ्टी की अगर बात करें, तो निफ्टी फिफ्टी के अंदर भी यहाँ पर आपको 2.29 यानी आज के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली है। अगर बात करें पिछले एक महीने की, तो पिछले एक महीने के अंदर भी यहाँ पर आपको 7.13 की आपको जो परसेंटेज की आपको गिरावट देखने को मिली। अगर बात करें निफ्टी बैंक की अगर बात करें, तो निफ्टी बैंक के अंदर आज आपको 2.49% की आपको इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर अगर टोटल पॉइंट की बात करें, तो 899 पॉइंट की यहाँ पर आपको गिरावट हुई है। अभी अगर बात करें पिछले एक महीने की, तो पिछले एक महीने के अंदर यहाँ पर भी 7.36 यानी सभी के अंदर आपको जो भी निफ्टी फिफ्टी की अगर बात करें, सेंसेक्स की बात करें, तीनों जगह आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर जो RBI बैंक के गवर्नर हैं, उनके द्वारा एक अपडेट, क्योंकि उनके 2 बजे जो अपडेट आना था, उनसे पहले आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको मार्केट में काफ़ी कुछ ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली। अगर उन्हें बात करें, अगर अपन एक बार इंडियन मार्केट को छोड़कर अगर जो ग्लोबल मार्केट है उसकी अगर बात करें, तो यहाँ पर अगर US मार्केट की बात करें, तो यहाँ पर आपको उसमें 27 पॉइंट का चेंज आपको देखने को मिला है। अगर अपन बात करें दूसरे यूरोपियन मार्केट में, तो जहाँ पर FTSE के अंदर आपको 42 पॉइंट का आपको जो है डाउनवर्ड देखने को मिला है, CAC के अंदर आपको 33 पॉइंट का जो डाउनवर्ड देखने को मिला है, DDEX के अंदर आपको 27 पॉइंट का डाउनवर्ड देखने को मिला है। अगर हम बात करें एशियन मार्केट की, तो एशियन मार्केट के अंदर SGX निफ्टी के अंदर आपको 295 का जो डाउनवर्ड देखने को मिला है, निकाई के अंदर आपको 29 का डाउनवर्ड देखने को मिला, स्टेट टाइम्स के अंदर आपको 7.63 पॉइंट का डाउनवर्ड देखने को मिला, हैंगकॉन्ग सिंघाई के अंदर आपको 232 का आपको डाउनवर्ड देखने को मिला। ताइवान मार्केट की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको 66 पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है। अगर बात करें कोरियन मार्केट की, यहाँ पर 2 पॉइंट का आपको नेगेटिव देखने को मिला है। सेट कंपोजिट की अगर बात करें, तो 15.15 आपको नेगेटिव देखने को मिला है। अगर अपन बात करें जकार्ता और संघाई की, तो यहाँ पर आपको 32 और 71 का पॉजिटिव देखने को मिला है। अगर बात करें ओवरऑल ग्लोबल मार्केट की, तो यहाँ पर आपको भी काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड देखने को मिला है। यहाँ पर हर एक क्षेत्र में, एशियन मार्केट में मान लो, और जो यूरोपियन मार्केट के अंदर भी आपको, तो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट के अंदर आपको हर जगह आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टर की, तो अगर पिछले महीने के अप्रैल मंथ की अगर बात करें, तो फॉरेनर्स ने यहाँ पर 40,652 करोड़ का यहाँ पर आपको जो नेट जो माल है वो आपको बेचते हुए नजर आए हैं। अगर बात करें इस मंथ की, तो इस मंथ के अंदर अभी तक यहाँ पर 1,853 करोड़ का जो माल है उन्होंने बेचा है। अगर बात करें 2 मई की, तो यहाँ पर भी आपको 1,853 करोड़ का जो है फॉरेन इन्वेस्टर कंटिन्यूसली अपना स्टेक बेच रहे हैं। इसी के कारण आपको मार्केट के अंदर यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसी के साथ एक दो रीज़न और भी मान सकते हो। अगर अपन बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर की, तो यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर अपना कंटिन्यूसली यहाँ पर अपना जो है यहाँ पर मार्केट के अंदर अपना स्टॉक बढ़ा रहे हैं। अगर हम बात करें लास्ट 2 मई की, तो यहाँ पर 1,951 करोड़ का यहाँ पर अपना जो है उन्होंने स्टॉक बढ़ाया है। अगर पिछले मंथ की अगर बात करें, तो यहाँ पर 29,869 का यहाँ पर करोड़ का यहाँ पर उन्होंने अपना स्टॉक बढ़ाया है, जो कि एक पॉजिटिव खबर है। अगर बात करें RBI बैंक के रिलेटेड में, तो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर उससे रिलेटेड भी यहाँ पर बता रहे हैं। तो इन्होंने 4 मई को यहाँ पर अपडेट किया था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी चेंज इन द रेट्स। तो यहाँ पर अपने जो रेट्स है, रेपो रेट री रेपो रेट के अंदर जो बैंक अपनी जो चेंज कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर, तो अगर बात करें बैंक के रिलेटेड, तो यहाँ पर बैंक ने यहाँ पर इन्फॉर्म भी किया है कि बताया गया है यहाँ पर एज द अनाउंसमेंट मॉनेटरी पॉलिसी, तो बैंक ने यहाँ पर अपने जो रेपो रेट है इसके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट होता हुआ बेसिक पॉइंट्स है, जो 4% से यहाँ पर 4.40% आपको रेपो रेट आपको करते हुए मिली है। अगर हम बात करें बैंक के बारे में, बैंक ने यहाँ पर SDF और MSF को यहाँ पर इंक्रीज किया है 3.75 से बढ़ाकर 4.15 और 4.25 से बढ़ाकर 4.65, यानी इन्हीं रेटों के आधार पर ही यहाँ पर आपको इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बैंक को रिलेटेड भी ये जो पैनिक है इसको बताया जा रहा है। अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, अगर इसी हिसाब से अगर मार्केट में करेक्शन आपको देखकर यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए, वहाँ पर भी उन्होंने माल सेल करना शुरू कर दिया। इन्हीं सभी रीज़न के कारण आज आपको मार्केट में क्रेश देखने को मिला है। अगर हम बात करें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की, तो यहाँ पर भी आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। थैंक यू दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। कीप सपोर्ट।